हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलम वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन वर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेक मशीन के बारे में कि बेक मशीन किस टाइप से बनाई जाती है, इसको क्या कॉस्ट लगता है बनाने में, ये सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है कि किस टाइप से ये मशीन पूरी बनी हुई है, किस किस इसमें डिजाइन को बनाने में कितना टाइम लगा है, ये कौन से पाइप में बनी हुई है, किस टाइप के इसमें फोम लगाए गए हैं और कौन सा लोग इसमें यूज किया गया है, कितना वेट ये मशीन ले सकती है, सब कुछ आज पूरी वीडियो में डिटेल्स में होने वाला है। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करनी है ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी बेक मशीन बनी हुई जो कि जिम वगैरह में लगी होती है, हमने ये यहाँ पे ही दुकान पे बनाई है, हमारी शॉप पे बनाई है, जो काफी बढ़िया और काफी यूनिक डिजाइन में और काफी मजबूत। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो फ्रेम बनी हुई है दोस्तों, ये डेढ़ बाई डेढ़ के पाइप में बनी हुई है, जो काफी 16 किलो वाला हेवी पाइप है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये पाइप लगा हुआ है दोस्तों, ये 1 इंची पाइप है जो कि गोल पाइप है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी जो सपोर्ट में एंगल लगाई हुई है 0.5 इंची एंगल है दोस्तों, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सीट वगैरह लगी रहती है जो कि आपके बैठने में काफी कंफर्टेबल फील रहती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सब कुछ पैर रोकने के लिए वगैरह बनाया गया, ये सब मूवमेंटेबल है, आप ऊपर नीचे करके इसे यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके वायर वगैरह सब लॉक वगैरह लगाए हैं जो कि कुछ इस टाइप से इसका लॉक वगैरह रहता है, यहाँ पे लॉक यू क्लैंप होकर अब ये कस दिया गया है। और यहाँ पे ये फिलिंग वायर आप देख सकते हैं, सीलिंग वायर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से गिरारी के अंदर जाके और यहाँ पे लॉक करके और यहाँ पे बेक मशीन हैंडल लगाया गया है जिससे आप पकड़ के इसे बेक मशीन लगा सकते हैं। ऊपर से भी आप कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस दिखाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में भी आपको एक गिरारी मिलती है जो कि बाइशेप ट्राइशेप मारने के लिए यूज में ली जाती है। पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे बाइशेप ट्राइशेप मार सकते हैं वायर वगैरह सब कंप्लीट लगाकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर ये यू क्लैंप यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर ये आपको यू क्लैंप चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। वेट वगैरह भी आप सब खरीद सकते हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप वायर वगैरह गिरारी वगैरह सब यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये कैसे मशीन यूज में लेते हैं, कैसे इसका काम करते हैं। दोस्तों हम इसमें वेट लगाएंगे, वेट लगा सब, अब हम इसमें वेट लगाने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये 10-10 किलो की प्लेटें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से लग जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बेक मार के हम बताने वाले हैं, तो ये गिरारी टाइप में यहाँ से आप देख सकते हैं सीलिंग वायर दिया हुआ है और यहाँ पे इसे लॉक हुआ हुआ है। मार के बताइए, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका स्लो मार, बिल्कुल आप इस टाइप से बेक मार सकते हैं पूरा कम्प्लीटली। 20 किलो का इस पर वेट लगा हुआ है दोस्तों, आराम से आप इससे 60-70 किलो वेट लगा के आप इससे आराम से उठा सकते हैं। इसमें गिरारी हमने काफी बढ़िया और काफी यूनिक लगाई है जो आप देख सकते हैं यहाँ से के मार सकते हैं। इसमें बेरिंग वगैरह लगाया हुआ है कम्प्लीटली, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसके यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है और यू क्लैंप यहाँ पे लगा हुआ है जिसको काफी मजबूत और काफी बढ़िया पकड़ बना के रखता है, जिसको निकलने में आसानी से नहीं निकलने दे सकता है। डबल क्लैंप लगाए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका ये हैंडल वगैरह रहता है जो पकड़ने में काफी स्मूथली रहता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ये फोम जो लगाई हुई है काफी सॉफ्ट और काफी बढ़िया ये फोम है। यहाँ पे आपको अगर पैर पे आपके कहीं लोड वगैरह ना आए और कहीं आपकी चोट नहीं लगे, इसलिए अभी फोम वगैरह यहाँ पर लगाई गई है। और दोस्तों ये आप जो डिजाइन देख सकते हैं ये टेपर जो एल शेप में दिया गया है, कुछ यूनिक ही डिजाइन दिया गया है जो काफी बढ़िया और काफी यूनिक दिखता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवमेंटेबल है, ये पूरा घूमता है, चारों साइड में आप घुमा सकते हैं इसको, नीचे से कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बढ़िया और काफी मटेरियल वगैरह सब हमने खुद ही बनाया, खुद ही हम खरीद के लाए हैं सब कुछ। ये दोस्तों इसका मार्केट प्राइस है ओनली 6,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको मिल जाती है ओनली 6,000 रुपए में। दोस्तों आपको अगर ये मशीन बनवानी है तो नीचे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे सारी डिटेल्स पा सकते हैं या सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने जो प्लेटें वगैरह यहाँ से सब खरीदी है, तो 6,000 रुपए के अंदर अंदर आपको प्लेट नहीं मिलेगी, ओनली पूरी सेटअप आपको अगर चाहिए, अगर पूरी मशीन बनानी है तो पूरी मशीन हम जरूर से बना देंगे, लेकिन आपको प्लेट के लिए अलग से 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे तब आपको प्लेटें मिल जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बाइशेप इसमें कैसे लगाई जाती है, कि बाइशेप हम इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाइशेप के लिए हमने एक रोड बनाई है अलग से,
जो आप देख सकते हैं कि एप्स में रोड होती है इस टाइप की, इसमें बाईशेप और ट्राईशेप लगाया जाता है जो कि कुछ इस टाइप से होती है, और इसमें हमने एक पाइप होता है इसके अंदर ही एक और पाइप लगा रहता है जो कुछ इस टाइप से मूवमेंटेबल करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक लॉकिंग सिस्टम रहता है जो कि इसको इस टाइप से कड़ी के अंदर डाल देना है और यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, जो कि साथ में इसके एक वायर लगाया गया जो कि सीलिंग वायर होता है और यहाँ पे यू क्लेम्प लगाया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे की साइड में जो हमने गिरारी लगाई गई है यहाँ पे कुछ इस टाइप से कुछ गिरारी होती है, गिरारी देना कुछ इस टाइप से इसकी गिरारी होती है जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेरिंग होता है जो इसके अंदर आप नट डालने के बाद में ये आराम से मूवमेंटेबल करती है। 160 रुपए की दोस्तों कुछ गिरारी आती है जो आपको आराम से मिल जाएगी। और दोस्तों अलग से भी आप कोई गिरारी यूज कर सकते हैं, उसमें नट डालने के बाद में इसको यहाँ पर कस दिया जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको ज्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मली टाइट करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सीलिंग वायर होता है दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये यह कुछ ऐसे लॉकिंग सिस्टम लगाया जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉक कर देता है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका बाईशेप और ट्राईशेप मारा जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसका बाईशेप मारने के लिए यूज में ली जाती है दोस्तों। दोनों कड़ी आपस में काम ली जाती है, इसमें आप बाईशेप भी मार सकते हो और ट्राईशेप भी मार सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि बाईशेप और ट्राईशेप कैसे लगाई जा सकती है दोस्तों। अब हम इसको खोल देते हैं वापस से आपको खोलने के लिए। अब देख सकते हैं अगर इसको अगर आपको बाईशेप मारनी है तो आपको यहाँ से इसे खोलना पड़ेगा, फिर आपको ट्राईशेप भी कैसे लगेगी। उसके बाद में ये वायर यहाँ पे फिक्स रहता है, अगर आपको इसके वायर निकालना है तो नट खोल के गिरारी के साथ में आप वायर निकाल सकते हो दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी वाली जो हमने रोड बनाई है, इसको यहाँ रोड में लगाने के बाद में हम इससे यहाँ से बाईशेप कैसे मार सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसके बाईशेप ऐसे लगाई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि आपके वेट यहाँ पे 10 किलो की एक प्लेट लगाई है, टोटल 20 किलो का वेट लगाया गया है और यहाँ पे इसे बाईशेप आप इसमें मार सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में हमने टोटल हमारे पास वेट है जो कि आप देख सकते हैं 14 किलो का हमारे पास वेट है। हमारे पास कुल 4 प्लेट है जो कि 10-10 किलो की दो प्लेटें और 2-2 किलो की दो प्लेट है जो कि 14 किलो का टोटल वेट है दोस्तों। ये आपको बहुत ही कम और बहुत ही बढ़िया रेट में आपको ये मिल जाती है, मात्र 6000 रुपये में आपको ये पूरी की पूरी बैक मशीन कम्प्लीटली मिल जाती है। अगर आपको ये चाहिए तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बनवानी तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको जरूर से पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।